एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोदकर निकालता और अपने गधे पर लादकर मिट्टी को बेचने के लिए जाया करता था। एक दिन मिट्टी खोदते उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला, लेकिन वो मजदूर ये नहीं जानता था कि वो पत्थर एक अनमोल हीरा है। उसने उसे बस एक साधारण पत्थर समझकर अपने गधे के गले में बांध दिया। कुछ दिन बाद जब मजदूर अपने गधे को लेकर गांव के रास्ते से गुजर रहा था, तो गांव के सेठ जी, जो एक किराने की दुकान चलाते थे, उसे वो पत्थर नजर आई। सेठ जी ने देखा कि गधे के गले में एक चमकदार पत्थर लटका रहा है। सेठ जी ने मजदूर से पूछा, ये चमकता हुआ पत्थर क्या है? मजदूर ने जवाब दिया, ये तो एक साधारण पत्थर है जो मुझे मिट्टी खोदते वक्त मिला था। सेठ जी ने उस पत्थर को पसंद कर लिया और मजदूर से 50 रुपया देकर उसे खरीद लिया। फिर सेठ जी ने उस चमकते पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लटका दिया ताकि वो दुकान में सजावट का काम करे। गांव के लोग जब भी सेठ जी के दुकान पर आते उस चमकते पत्थर की तारीफ करते, लेकिन किसी को भी उसकी असली कीमत का अंदाज़ा नहीं था। एक दिन एक जोहरी उस गांव में आया। उसने सेठ जी की दुकान में लट के उस चमकते पत्थर को देखा और समझ गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक अनमोल हीरा है। उसने सेठ जी से कहा, ये पत्थर तो बेहद कीमती लगता है, क्या आप इसे मुझे बेचोगे? सेठ जी ने कहा, मैंने इसे 50 रुपये में खरीदा था, आप इसे 100 रुपये में ले सकते हैं। जोहरी ने तुरंत 100 रुपये दिए और वो हीरा लेकर चला गया। अगले दिन और एक जोहरी, जो पहले सेठ जी से मेल भाव कर रहा था और पत्थर को 80 रुपये में खरीदना चाहता था, फिर से सेठ जी की दुकान पर आया। जब उसने तराजू पर नज़र डाली तो वो चमकता हुआ पत्थर वहाँ नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा, वो चमकता हुआ पत्थर कहाँ गया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल एक और जहरी आया था, उसने 100 रुपये देकर उसे खरीद लिया। ये सुनकर वो जोहरी चौंक गया और गुस्से में बोला, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो एक कीमती हीरा था और तुमने उसे सिर्फ 100 रुपये में बेच दिया। सेठ जी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम जानते थे कि वो एक कीमती हीरा था तो फिर तुम कल मुझसे 20 रुपये के लिए मेल भाव क्यों कर रहे थे? असली मूर्ख तो तुम हो जिसने 20 रुपये बचाने के चक्कर में एक अनमोल हीरा गवा दिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? कंजूसी सही जगह पर करे, अन्यथा अनमोल चीजें आपके हाथों से फिसल सकती है।